Welcome to Learn for Exam. My name is Gopi Singh. In this we will talk about in CAT exam which slot is tougher, the morning slot or the afternoon slot, or you can say the slot 1 or slot 2. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Every alternative day we do some live sessions which will help you to boost your MBA preparation, and you can also download our app which is available on Play Store. Just go and search Learn for Exam and you will find daily RC, daily LRDI set for free and some free videos as well. So let's start. Now CAT 2018 का अगर मैं स्लॉट 1 का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देखूं, ये डेटा आपको इजीली मिल जाता है गूगल करके भी, ठीक है, या प्रीवियस स्टूडेंट से बात करके भी, सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट डेटा को समझना इंपॉर्टेंट है. सो अगर मैं देखूं तो 160 प्लस जिसका स्कोर आया था उसको समवेयर 99.5 परसेंटाइल दी. एंड इंडिविजुअल अगर मैं स्कोर देखता हूं तो वर्बल के अंदर स्कोरिंग की मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट या इनकरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल ओवरऑल स्कोर इन वर्बल सेक्शन ओनली. तो 73 प्लस, यहाँ पे 52 प्लस, यहाँ पे 54 प्लस एंड सो ऑन द डेटा इज गोइंग. अगर मैं देखूं यहाँ पे 100 स्कोर पे 90 परसेंटाइल था, वर्बल में 50, 24 LRDI में, क्वांट में 29. नाउ कंपेयर दिस डेटा विद स्लॉट 2 एंड विल फाइंड योर आंसर विच वन वॉज द टफर. नाउ स्लॉट 2 का अगर हम देखें तो 156 अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 160 जो ला रहा था उसको 99.5 था, यहाँ पे 160 लाने में ही 99.5. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब स्कोरिंग करना स्लॉट 2 में वॉज अ टफ वन, राइट? सो स्लॉट 2 वॉज लाइक आफ्टरनून स्लॉट वॉज टफ, राइट? बट अगर हम उसके अंदर भी टफ देखें तो कौन सा सेक्शन टफ था? क्या सारे सेक्शन टफ थे? नो. अगर हम देखें वर्बल स्कोर को तो वर्बल स्कोर वॉज सेम 73, 66, 60, 50. So this was a same level of difficulty for the verbal was same. But LRDI section देखते हैं, यहाँ पर सारी game change हुई है. 52, 42, 37 and 24, 47, 39, 33 and 21. Somewhere around -3 का average चल रहा है सभी में, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है. सो अगर -3 देखें तो मतलब क्या है कि स्लॉट 1 में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया इन LRDI सेक्शन, विच इज़ अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट. क्या पता स्लॉट 2 में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते जिनको स्लॉट 1 के वो क्वेश्चन आते होते जो ईजी थे, हो सकता है ना. अगर हम क्वांट की अगर हम बात करते हैं तो क्वांट में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, +1 लाइक 54, 43 एंड 38, 29 एंड 55, 44, 39 एंड 42. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ज़्यादा है, बाकी सब में +1 ही है. सो इसको हम कह सकते हैं समवेयर अराउंड सेम ही था, ठीक है. यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी, बट इसकी तो ओवरऑल डिफिकल्टी खुद की बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ था अभी तक का क्वांट सेक्शन. बट लास्ट ईयर स्लॉट 2 अगर हम सिर्फ स्लॉट को कंपेयर कर रहे हैं तो स्लॉट 2 वॉज टफ, LRDI वॉज टफ. अगर अब मैं बात करूं, क्या आप इससे सहमत है कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 ऐसे एग्जाम होना चाहिए? क्या एक शिफ्ट में नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सिर्फ ये हो सकता है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है. स्लॉट 1 में भी पूरे 2 लाख स्टूडेंट, लाइक SSC वाले इतने सारे स्टूडेंट्स का कराते हैं, हम तो सिर्फ 2 लाख स्टूडेंट्स के नहीं करा सकते कि एक टाइम पे सारा एग्जाम. मेरे हिसाब से एक टाइम पे होना चाहिए, बिकॉज इसका एक ही सिंपल सा रीज़न है एंड कि आपको जो नॉर्मलाइजेशन करते रहते हो ना, तो यार सबको इकट्ठे लेके करो. इस स्लॉट 1 में जिसका मतलब अगर टफ है तो उस नंबर भी टफ ही आएंगे, मतलब उसी अकॉर्डिंग. थोड़ा सा तो डाइसी मुझे लगता है ये काम. क्या पता मैं स्लॉट 2 में था, मुझे अगर क्वांट में सर्कल का जो क्वेश्चन आया वो टफ आया, स्लॉट 1 में वो सर्कल का क्वेश्चन ईजी आया, मैं कर जाता. बाकी मैंने टफ वाला अपना प्रैक्टिस कर रखी थी, मैं कर जाता. बाकी का स्लॉट 1 में शायद मेरे नंबर ज़्यादा आ जाते, या LRDI में ऐसा हो सकता था, या वर्बल में हो सकता है ना. ऐसे बड़े चांसेस हो जाते हैं, बच्चा सोचता रहता है. सो एक किस्मत भी आपकी साथ में हो जाती है, ठीक है, मतलब कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको वो वाला स्लॉट मिल जाएगा जो इजी आ रहा है उस साल, ठीक है. सो बाकी प्रेयर करके जाओ यार मेरे हिसाब से. और आपका कुछ भी अगर एक्स के ऊपर है तो आप क्या सोचते हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना. एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर ज्योमेट्री कोर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th of August. फीस इसकी रखी है 1999. बट अगर आप जो भी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है. सो गेट 50, यूज़ दिस कोड एंड आपको ये कोर्स पड़ेगा 999 में, जिसके अंदर हम कवर क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है. पूरी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम बेसिक लेवल टू द ऑल MBA एग्जाम लेवल, ठीक है. इसका मतलब कि आप अरुण शर्मा का कोई भी लेवल उठाओ, लेवल 1, 2, 3, सर्वेश वर्मा का लेवल 1, 2 उठाओ, आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, गारंटी। अगर कोई भी और बुक ले आओ, सबके ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारे क्वेश्चन कर पाओगे 100%। ये कोर्स करने के बाद 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। लाइव क्लासेस होंगी सारी की सारी, 10:30 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। 2 घंटे तक की रहेगी मिनिमम ड्यूरेशन। एक हम सेशन करेंगे 6 आवर्स का टोटल, मतलब कंटिन्यू सेशन होगा 6 घंटे का, जिसके अंदर हम सारी की सारी प्रैक्टिस करेंगे। बट ये जब हम सारा बेसिक कवर करने के बाद करेंगे, ठीक है। ये वाला सेशन टोटल समवेयर अराउंड 9 लाइव सेशंस होंगे आपके। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग डाउनलोड अवेलेबल रहेगा आपके पास, ठीक है। बाकी आपके पास 24/7 का डाउट ग्रुप रहेगा। आप बाद में भी चाहो तो, ये नहीं कि कोर्स खत्म होने के बाद डाउट नहीं पूछ सकते, जब भी आप चाहो डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी मोबाइल ऐप तो ऑल्सो अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी और पूछना है इस कोर्स के बारे में तो नंबर आपको मिल रहा है नीचे स्क्रीन पर। बट मैं रिकमेंड करूँगा जल्दी जाके एनरोल कर लो भाई, फर्स्ट 50 के लिए ये कोड बंद हो जाएगा, ठीक है। 999 इज अ वेरी काइंड ऑफ चीप थिंग, ऑल राइट। एंड MBA आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑल राइट। एंड बाकी हमारा एनमेट स्नैप क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से, ठीक है। ये उसकी डिटेल्स हैं। एंड कैट का क्रैश कोर्स इज गोइंग ऑन। अगर आपको पूरा फुल कोर्स ही चाहिए तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। सारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और ऐप पे भी अवेलेबल है, आप एनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एंड यूज़ दैट कोड GET 50 राइट नाउ, राइट एसएप। जैसे अगर 50 हो गए स्टूडेंट्स तो वो कोड यूज़ नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारी वीडियो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं उसके अंदर। अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, सबके सोल्यूशन वीडियो वाले होते हैं, ऑल राइट। एंड वी प्रोवाइड, लर्न फॉर एग्जाम प्रोवाइड्स दी लाइव क्लासेस। बाकी अब हमारे स्टूडेंट्स के बारे में रिव्यूज़, हमारे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2017, 2018, LRC की 2019 में क्या आता है। एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ लर्न फॉर एग्जाम। वी प्रोवाइड लाइव क्लासेस, एक्सेस टू द क्लास रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बेस्ट ट्रेनर्स वी हैव, टाइम सेवर एंड टू इंटरेक्शन रहती हैं सारी क्लासेस। एंड दीज आर द रिव्यूज़ बाय आवर स्टूडेंट्स, क्लास के रिव्यूज़ हैं, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट्स के सारे रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। जुलाई बैच का रिव्यू देख सकते हैं, जून बैच का रिव्यू देख सकते हैं, और भी बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, ठीक है। उनके क्लासेस के लाइक रिव्यूज़ है, प्लस उनकी स्कोर कार्ड्स भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू रीड देम यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू इट। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक वन इफ लाइक दिस वीडियो यार। यहाँ तक मैंने आपको पूरा डिटेल बता दी कि स्लॉट 1 कौन सा डिफिकल्ट आता है और कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। एंड और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी, सो डोंट वरी फॉर दैट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल राइट। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स आर showing here and in the description as well. Thanks for watching and have a lovely day ahead.